सोचा कि यार कोई अलग कंट्री का कंटेंट देखा जाए, कोई अलग कंट्री की कोई मूवी देखी जाए। इसी तलाश में एक जो नेटफ्लिक्स के ऊपर अभी हाल ही के अंदर मूवी रिलीज हुई है, नाइस गर्ल ऐसा करके उसका नाम है, जिसकी लेंथ तकरीबन 1.5 घंटे के आसपास है। और सच कहूंगा इस मूवी को देखने से पहले अपने पास एक सरदर्द की गोली रख लेना, क्योंकि मूवी देखने के बाद या मूवी के बीच में आपका सर बहुत ज्यादा दर्द करने लग जाएगा। या मैं कहूंगा कि आप स्टार्टिंग में वो गोली खा लेना, क्योंकि अगर आपने मूवी देखने की सोची है तो वो सरदर्द आप हैंडल नहीं कर पाओगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कहानी की हम बात कर लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे इस मूवी में अच्छा नहीं मतलब बुरा क्या क्या है। जो इस मूवी की कहानी हमें देखने को मिलती है, फ्रेंच एक ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, उसकी हत्या हो जाती है, किसी ने उसकी हत्या कर दी है। अब उसकी हत्या किसने की है, इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए दो लेडीज ऑफिसर, एक का नाम लियो है, एक का नाम मेलिनी करके ऐसा कुछ है, ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है कि भाई ये किसकी, किसने इसकी हत्या की है, क्यों इसकी हत्या की है। तो क्या ये दोनों पुलिस ऑफिसर अपने इस कलीग की हत्या का जो राज है वो सबके सामने ला पाएंगी, कैसे ला पाएंगी, इसके लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। लेकिन लेकिन ये वीडियो पहले कंप्लीट करके जाना, फिर ये डिसाइड करना है कि ये मूवी देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। तो अब बात करते हैं इसकी कहानी के बाद इसमें अच्छा क्या है। एक्चुअल में ये अच्छा वर्ड तो मैं कहूंगा इस मूवी में दूर दूर तक ही नहीं है। 1.5 घंटे की मूवी है ये, 1.5 घंटे में आपको 10 सेकंड भी अगर इसके अंदर एंटरटेनमेंट मिल जाए ना तो मेरा नाम तो क्यों बदलोगे यार। 10 सेकंड भी इस मूवी के अंदर आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जो आपने एंजॉय करे होंगे। इतनी वाहियात, इतनी घटिया स्टोरी के साथ ये मूवी हमारे सामने आती है, मतलब इसमें अच्छाई कहीं पर भी नहीं है, एक सिंगल सीन तक इसके अंदर अच्छा नहीं है। पूरी की पूरी मूवी एक तरीके से सरदर्द है। और मतलब लोग ऐसी मूवी बना कैसे पाते हैं यार। तो इसकी कमियों के ऊपर आते हैं, जो हमें कमियां इसके अंदर भर भर के देखने को मिलती हैं। मतलब मैं पागल था यार इस मूवी को देखने बैठा। जो इसमें कमियां हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी स्टोरी है यार, उससे बेटर तो जो इसकी कहानी हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर जो 5वीं 4थी क्लास में पढ़ने वाला जो बच्चा है वो लाख गुना बेटर कहानी लिख रखता है इस मूवी में जो हमें देखने को मिलती है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो राइटर है उसको भाई साहब राइटिंग बंद कर देनी चाहिए और घर पे कुछ और काम कर लेना चाहिए कि नहीं, इस तरीके की अगर आप मूवी बना रहे हो, इस तरीके की कहानी हमारे सामने ला रहे हो तो बहुत बुरा हाल है। नहीं चल पाओगे भाई साहब, ऐसे तो बिल्कुल नहीं चल पाओगे। और इसके अलावा जो इस मूवी में थोड़ी बहुत कॉमेडी रखी गई है, वो कॉमेडी नहीं कहते, उसको सरदर्द कहते हैं, उसको टॉर्चर कहते हैं। 1 घंटा 30 मिनट उसको सहना पड़ रहा है। और शुक्र है ये मूवी OTT के ऊपर रिलीज की गई है, यानी नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है, ये थिएटर में नहीं आई। थिएटर में आई थी तो मैं सोचता यार इसको देखें कैसे, यार कैसे इसको सहन करें, ये तो वाहियात से वाहियात भी मतलब इतनी घटिया मूवी बनाई है यार। कौन सा शब्द इसके लिए यूज करूं, इतनी बेकार मूवी है। और वो तो शुक्र है कि हमें नेटफ्लिक्स के ऊपर इसको फॉरवर्ड करने का, इसको आगे बढ़ाने का मौका मिल जाता है, इसको 1.5 घंटे सहन नहीं करना पड़ता, वरना एक्चुअल में इसको कोई 1.5 घंटा देखकर दिखा दे, इस तरीके की घटिया तरीके से ये मूवी बनाई गई है। अब अगर इसके एक्शन की बात करें तो एक्शन के नाम पर यहां पर लोगों ने क्या किया, कैमरा ऊपर नीचे आगे पीछे इधर उधर हिला दिया। ओहो, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए एक्चुअल में क्या हुआ। अरे पता चल रहा है, ऑडियंस बहुत समझदार हो गई, वो एक्शन नहीं है, वो एकदम कचरा उसको कहते हैं। और एक्शन के अलावा इसके कैमरे वर्क पर आए ना, वो भी बहुत ज्यादा घटिया किया गया। अरे यार इतना ही पैसा है, मैं जैसे कहता आ रहा हूँ बॉलीवुड में भी बहुत घटिया मूवीज बनती हैं, वाहियात मूवीज बन रही हैं, तो तुम बना ही क्यों रहे हो, इससे बेटर तो यार उसको आग लगा दो, या फिर उस मूवी को बना लिया तो अपने पास रखा करो, उसको पब्लिक में मत लाया करो, वरना लोग गालियां ही निकालेंगे। और नेटफ्लिक्स भी पता नहीं किस किस की कैसी कैसी वाहियात मूवीज चक लेता है यार। और इसमें फिर डायलॉग डाले गए वुमन एम्पावरमेंट को लेकर, जिनको सुनकर कानों से खून निकलाएगा। और फिर यहां पर एक ग्रेटा थनबर्ग करके आपने सुना होगा, वो इकोनॉमिस्ट जो मतलब पर्यावरण को बचाने के लिए जो प्रोटेस्ट किए थे वगैरह वगैरह जो भी थे, ऐसे ही एक सो कॉल्ड एनवायरमेंटलिस्ट हमें देखने को मिलती है, जो एकदम फेक लगती है यार। कहीं से भी उसका ऐसा देखकर नहीं लगेगा ये एनवायरमेंट बचाने के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए संघर्ष कर रही है, ना भाई साहब, एकदम नकली सा फीलिंग आती है उसके अंदर। और इस मूवी के स्टार्टिंग से समझ जाओगे कितनी ज्यादा घटिया और इसमें किस तरीके का काम किया गया है, क्योंकि इसके जो स्टार्टिंग इसका ओपनिंग सीन है जिसमें एक चेजिंग सीन हमें देखने को मिलता है, वो क्यों डाला गया है, किस लिए डाला गया है, कोई भी उसका सर पैर नहीं है, बिना लॉजिक वो हमें चीजें दिखाई गई हैं। मतलब इतनी घटिया कैसे बना सकते हो यार। अब ये मेरी तरफ से तो देखो इसको देना चाहूंगा 0 out of 10। ना इसके अंदर कोई एक्शन है, ना इसके अंदर कोई कहानी है, ना इसके अंदर कोई ढंग का परफॉर्मेंस है, पता नहीं ये मूवी क्यों बनाई है। तो बस आज के लिए इतना ही था। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी। अगर नहीं देखी तो बहुत बहुत मुबारक हो, आप अभी तक अपने सर में दर्द करवाने से बच गए हैं और इस मूवी को देखने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।